हेलो हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा डेली टास्क मिल रहा है। टास्क में कुछ अब समस्या नहीं आनी चाहिए। मैं क्लास वाइज क्लास दे रहा हूँ, हर क्लास का जो भी सोल्यूशन है उसको भी दे रहा हूँ। आप लोगों को विशेष करके ध्यान देना चाहिए, साइंस और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के नोट्स देता हूँ। तो मैं पहले तो चैप्टर की कॉपी भेजता हूँ, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा करो, फिर मैं एक्सरसाइज भेजता हूँ। तो उस एक्सरसाइज से ही सारे क्वेश्चन आंसर मिल जा रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं तो कोई एक एक क्वेश्चन लेकर के मेरे को बताओ, सर मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा, उसका सलूशन देंगे। कल कुछ बच्चों ने पूछा था क्लास 8th के कुछ साइंस के फिल इन द ब्लैंक्स, और 7th में भी कुछ पूछे थे, तो उनके डाउट्स दिए गए हैं। 10th क्लास का मैंने सलूशन दिया था, उसको मैं दिखाता हूँ, उसके बाद बताएंगे कैसे। जैसे क्लास 10th के देखिए, एक्सरसाइज 10.1, सॉरी जो पहले एक्सरसाइज थी 3.1, उससे साफ आपको क्लियर नहीं समझ में आ रहा था, बता रहे थे सर नहीं। मैं उसमें तो क्वेश्चन दे रखा था, स्टोरी प्रॉब्लम थी, उसको बनाना था, उससे हमने लेट कर लिया था। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स ईयर एंड हिज डाटर की वाई ईयर मान लिया। कंडीशन फर्स्ट में थी कि 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो में यानी कि टाइम माइनस कर देते हैं, आफ्ताब वाज एक्स माइनस 7 एंड डाटर वाज वाई माइनस 7। क्लियर? अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग कंडीशन में देख लीजिए, जब एक्स माइनस 7 इक्वल टू 7 टाइम्स हो रहा है, जो उसका आफ्ताब है अपने डाटर का 7 टाइम्स हो रहा था उस समय, तो उसको सिंप्लीफाई कर क्वेश्चन ये बना लिया। दूसरी कंडीशन में करें, आफ्टर थ्री ईयर आफ्ताब विल भी x+3 हो जाएगा, उसकी डाटर y+3 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन x+3 इक्वल टू दिस, इसे सॉल्व करके हमने क्वेश्चन ये बना लिया। दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ए दोनों क्वेश्चन फर्स्ट आपके ऊपर है, सेकेंड ये है। तो इनकी सहायता से आपको जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मेथड बताया था, यानी कि वाई इक्वल टू कर लेंगे या एक्स इक्वल टू कर लेंगे, टेबल बना लेते हैं, फिर दोनों को ग्राफ पेपर पर सिंप्लीफाई करेंगे और इसको करने की कोशिश करेंगे। इसी में दूसरे क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने बता दिया है, उसमें बैट और बॉल परचेज किया जा रहा था। लेट सी पी आप ए बॉल का हमने x रुपीज़ और सी पी आप वाई ए बॉल का y रुपीज़ कर लिया। तो क्वेश्चन फर्स्ट 3x+6y इक्वल टू 3900 एंड सेकंड इक्वेशन हो जाएगी x+3y इक्वल टू 3000। इसको उसी भी तरह से सॉल्व करना है। थर्ड इक्वेशन में भी यही, 1 kg ग्रेप्स एप्पल का प्राइस x रुपीज़ और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस y रुपीज़ रिलेट कर लेंगे, जूम कर लेंगे। उसके बाद इक्वेशन आपका जैसे उसमें पढ़ेंगे प्रॉब्लम, 2x+y इक्वल टू 160 एंड 4x+2y इक्वल टू 300। इसको दोनों क्वेश्चन बनने के बाद से सॉल्व कर लेंगे। याद रखें, लिखा टू रिप्रेजेंटेड ग्राफ एंड फाइनली फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा, जो 9th में आज एक्सरसाइज दी गई, 9th वाले ध्यान दें, 9th में थ्योरम का अप्लाई करना है, इसके बिना नहीं होगी। 9th में जो मैंने एक्सरसाइज दी है आज, शायद चौथी और लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें एक थ्योरम का इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। किसी भी ट्रायंगल की किन्हीं दो साइडों का सम हमेशा तीसरी साइड से अधिक होता है, इस चीज़ का ध्यान रहे। मैंने एग्जाम्पल का तौर दिखाई, एक ट्रायंगल ए बी सी ले लिया है, इसे मैंने तो पहले दो ले रहे हैं, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी होता है कि नहीं होता, देखते हैं। ए बी की साइड 3 है देखो, और बी सी 4 है, और 6 तीसरी साइड है, तो आपका 3+4 इज ग्रेटर देन 6, यानी कि 7 इज ग्रेटर देन 6 हो गया। अगर अदर साइड ले लेते हैं, बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी में वैल्यू रखने के बाद 10 इज ग्रेटर देन 3, थर्ड साइड आपकी हो जाएगी ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी, यानी कि 9 इज ग्रेटर देन 4। यानी तीनों बार में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो बार हो रहा है तीसरी बार नहीं हो रहा, नहीं तो ट्रेंगल ही फॉर्म नहीं करेगा। इस ट्रेंगल का साइज है, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, इनको देख कर करना है। और 10th मैंने कुछ नोट्स भी दिए हैं मैथ्स के, उनको पॉइंट्स बाई पॉइंट्स जरूर तैयार कर लें। टेबल दी है, जैसे 8th की हिंदी ग्रामर के कुछ डाउट्स थी बच्चों को, वो मैंने इसे भेज दिया है। देखिए फर्स्ट में शायद वो विसर्ग का सिंबल पूछा गया था, विसर्ग दे दिया, फिर दूसरे में स्वरों फिलहाल दिया, तीसरे में ये अंक बिंदी होती है जो ऊपर रखी जाती है, फिर जो चार आपके अनुस्वार वाले थे यार अलावा, उन्हें हमने आपको बता दिया है। और क्लास 7th के साइंस के फिल इन द ब्लैंक्स कुछ बच्चों ने पूछे थे, 4th का इटेशन, 5वें का डाइजेशन, 6th का में गोट, गोट भी हो सकता है, काऊ और बफेलो भी आ सकती हैं, 7th में इंसीडियस टीथ आपके हो जाते हैं या आपके खिलाफ हो जाते हैं। इस तरह से जो डाउट्स थे बताते हैं, जिसको भी डाउट्स होते हैं तो इसी तरह से लिख करके भेजा करें, तो अगर लिख करके नहीं भेजोगे डाउट्स तो क्लियर पता नहीं चल पाएगा। डाउट्स सारे क्लियर लिख कर भेजोगे तभी उसका हम सोल्यूशन दे पाएंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, बाय बाय।